लेकिन आज मेरा मन है कि फर्गुसन कॉलेज में, जहां इतनी स्वतंत्र चेतना गढ़ी गई हो कि अंडमान की दीवारें भी जिसको रोक नहीं पाई, उस सावरकर की भूमि में खड़ा होकर मेरा दुर्भाग्य है कि मैं मराठी की लिपि नहीं पढ़ सकता, मैं सीख नहीं पाया। अब कोशिश करूंगा। मेरा एक छोटा भाई यहां बहुत प्रसिद्ध लोकप्रिय गजलकार रहता है, विशाल बाग। मैं आज उससे पूछ रहा था कि तूने सीख ली? उसने कहा हाँ भैया, मैंने तो पूना आके पहला काम ये करा कि लिपि भी सीख ली, पढ़ना लिखना भी सीख लिया। तो मैंने गोमांतक भी पढ़ा है, तो हिंदी में अनुदित पढ़ा है। मैं चाहता था कि मूल सावरकर पढ़ूं या मूल तुकाराम पढ़ूं। और जब एक मैंने काम किया था भारतीय भाषाओं के महान कवियों का, तब मैंने महाराष्ट्र से भी दो कवियों पर भी काम किया। मैं आज आपसे ये विशिष्ट अनुभव साझा करता हूं, 5000 रात कविता पढ़ने के बाद भी, जो मैंने किसी को नहीं बताया। मुझे लगता है कि किसी कविता पढ़ने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात मैं आपको बता रहा हूं। जो बच्चे मेरे छोटे भाई बहन यहां बैठे हैं, जो अक्सर ट्विटर पर इंस्टा पर देख के सोचते हैं कि कविता यहां तक पहुंच सकती है क्या, क्योंकि पहले 70 के दशक में जो फिल्मों में कवि दिखाया जाता था वो हीरो का दोस्त होता था, और वो अक्सर एक गरीब आदमी होता था कुर्ता पहने हुए, और वो हीरोइन की जो एक नौकरानी थी ना, उसी को लाइन मारता रहता था, कविताएं सुनाता रहता था, है ना वो ऐसे। और वो कई बार उसकी शादी नहीं होती थी, इसलिए क्योंकि वो कवि है। कभी कभी फिल्म में इसीलिए डिस्कार्ड कर दिया गया कि वो कवि है, और शायर ने कहा मेरे गीतों की पुजारिन ये तुझे क्या मालूम, मेरे अशआर की बाजार में कीमत क्या है। तो सबसे पहली लड़ाई तो ये थी कि अगर कविता पढ़ना कला है, अगर कविता रचना सिद्धि है, तो इस जगत की व्यापार रीतियों को इस सिद्धि का उचित मूल्य देना पड़ेगा। मूल्य का मतलब पैसा नहीं है, मूल्य का मतलब वो गंभीरता है कि भारतीय राजनीति के विशिष्ट चेहरे होने के बाद भी विनोद तावड़े जी ने या हमारे तमाम मित्रों ने स्वेच्छा से यह कहा कि कुमार विश्वास को नीचे से सुनना चाहिए, यह कविता की मूल्य धर्मिता है, यह कविता की आदर धर्मिता है। और यह कैसे पैदा होगी? यह कवि की स्वतंत्र चेतना से पैदा होगी। कवि जिस दिन नीचे बैठे हुए अतिथि और आयोजकों की भाषा बोलने लगेगा, उस दिन ये नीचे उतरना बंद कर देंगे, उस दिन ये मानेंगे तो अपना ही है। लेकिन जब तक इन्हें यह भय रहेगा कि ये है तो राष्ट्रवादी, ये है तो राष्ट्र की बात करने वाला, लेकिन अगर कश्मीर में सरकार बना लोगे बुआ के साथ, तो सबसे पहले ये आपके खिलाफ बोलेगा, तो ये आपको सुनते रहे। और मैं बोलता रहा, जब बनाई सरकार तो मैं बोलता था, उससे कहते थे हमारे मित्र, कई बार मिलते थे राम माधव जी, अरे भाई क्यों? मैंने कहा भाई क्यों, आप ही कहते थे एक ध्वज एक निशान। ये दो निशान लेके एक महिला बैठी है और कहती है कि अफजल गुरु शहीद था, हम दिल्ली में कहते हैं आतंकवादी, पहले तय करो। दबाव डाला, हुई बात। कवि का यही काम है, हर छत्रपति के दरबार में, हर शिवाजी के दरबार में भूषण की आवश्यकता है, जिस समय पर उसे बताता है। यह जो आवश्यकता है कवि की चेतना की, क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, सरकारें स्थायी नहीं है, सरकारें आएंगी जाएंगी, और मेरा कथन नहीं है, एक कवि का कथन है जिसके कारण ये सारे हैं, जिनका नाम पंडित अटल बिहारी वाजपेयी था, उन्होंने ये बात कहा था, सरकारें आएंगी जाएंगी, सत्ता का खेल तो चलेगा, ये लोकतंत्र रहना चाहिए। लोकतंत्र मतलब आपको अपनी बात कहने की आजादी मिले। अब क्या हो गया है, कवि साहित्यकार बहुधा मंच के हिसाब से बात करता है, ये गलत बात है, जो सत्य है वो बोलिए।